जो चुनाव में लोग जो लोग इन्वॉल्व हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक महाज बना है, इंडिया के नाम का एक संगठन बना है, वो लोग करेंगे। हम तो एक संदेश, एक पैगाम आम जनता को बीच में दे रहे हैं कि आम जनता की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व बनता है अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति, देश के माहौल के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, उसमें हमें क्या करना है, उसका एक हिस्सा उसका वोट देने का भी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बहुत बड़ा इसका उसका हिस्सा है कि आपस में भाईचारा कैसे बनाया जाए और कैसे बना रखें। इसके लिए हमको आवाम के बीच में, जनता के बीच में क्या कुछ करना है, उसमें कैसे लोगों को शिक्षित करना है, इस बात को लेकर कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, इन सब चीज़ों को लेकर हम शहर शहर जा रहे हैं पूरे देश भर में, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये संदेश, हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। अरे ज़रूरत तो आप आसपास देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा मुल्क भर का जो वातावरण है, जो फिज़ा है वो बिगड़ रही है, किस तरह से एक लोग दूसरे से दुश्मनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी तो उन्होंने भी यही पैगाम दिया था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो वो अपनी तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी की तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, लेकिन यही काम हज़ारों लाखों लोगों को करना है। हर जगह पर जहां संदेश पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर पहुंचाना है संदेश, और वो आज हम पहुंचाने की कोशिश इलाहाबाद में कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है, और किसने किसको क्या कहा तो अलग बात है, लेकिन हमारे संसद में ऐसी बात कही जाए और उस बात को कहने के बाद पीछे हम देखें कि और सांसद जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं, इससे बुरा संदेश पूरे विश्व को हमारे संसद के बारे में क्या जाएगा। बड़ा दुख है इससे हमें। वो हुआ है, वो तो सब, देखिए इसकी निंदा तो वो भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन निंदा काफ़ी नहीं होती ना। हमारी जिम्मेदारी, हम बाहर हैं तो हम निंदा करें, हमारी जिम्मेदारी कुछ है, जो अंदर है, जो संसद में है, जो सरकार में है, उसको क्या करना है, उसका दायित्व ज़्यादा बड़ा है, और वो क्या करता है, क्या कार्रवाई ली जाती है, वो आगे सामने सामने आ जाएगी। कौन लोग हो सकते हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी में किसी ने ऐसा किया होता तो हम बताते, छानबीन करते बताते। अब किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया है तो ये दायित्व तो उनका बनता है कि वो आपको इसका जवाब दें। सर, एक पॉलिटिकल सवाल यूपी से जुड़ा है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं उनको हम सीटें दे रहे हैं, वो सीटें दे नहीं रहे।